तो मैं अभी अपने होटल रूम में हूँ, रोम में। तो आज हम वापस जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, और हमारी जर्नी है यहाँ से करीब 900 किलोमीटर्स। तो इटली की जो सड़कें हैं वो ज़्यादातर चौड़ी हैं और 3 लेन होती हैं, और स्पीड लिमिट करीब 130 किलोमीटर्स पर आवर। तो अगर आप फर्स्ट लेन में चलोगे तो आराम से 140-145 किलोमीटर्स पर आवर में चल सकते हो। सेकेंड लेन में ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ होती हैं या छोटी ट्रक्स वगैरह होती हैं, जो थोड़ी 110-120 चलती हैं। और थर्ड लेन में ट्रक्स चलती हैं जो स्लो मूविंग होती है। तो ज़्यादातर मेरी जो कोशिश होती है यही होती है कि फर्स्ट लेन में चलें, अराउंड 135-140 पे चलें। तब हमारी मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 9 to 10 आवर्स इंक्लूडिंग ब्रेक्स में हम पहुँच जाएंगे। तो अभी 7:30-8 बजे हैं, तो अगर हम 8:30-9 तक भी निकलेंगे तो एक्सपेक्टेशन ये है कि रात के हम 8:30-9 तक पहुंच जाएंगे। अटेम्प्ट तो यही है कि हम डेलाइट में पहुंच जाएं। डेलाइट आजकल 9-9:15 तक होती है, क्योंकि जो लास्ट तो ये देखिए हमारी ये गाड़ी है, ऑडी Q5 है। बड़ी प्यारी गाड़ी है, बड़ी सोनी गाड़ी है, बहुत पावर है, बहुत स्टेबल है। मैंने इसको 190-200 में भी चलाया है और बिल्कुल ही शेक नहीं करती, बहुत ही। तो हमारा ये फर्स्ट स्टॉप है, हम ज़्यादा नहीं आए हैं, करीब अभी करीब 200 किलोमीटर्स आए हैं। पर क्योंकि लोगों ने आते हैं, ये रेस्टोरेंट्स ही आती हैं विद पेट्रोल पम्प भी होता है इसमें और खाने पीने की भी होता है। ये देखिए लोग अपनी गाड़ियाँ काफ़ी कस्टमाइज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रोड ट्रिप्स बड़ा पसंद करते हैं। तो ये देखिए कस्टमाइज्ड गाड़ी है। ये देखिए इनकी अच्छी सीटिंग होती है, आइसक्रीम जैसे मॉल वाला माहौल होता है। और यहाँ इटली में जो है वाइन सस्ती मिलती है, तो लोग यहाँ से वाइन बड़ा लेते हैं, यहाँ डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं। तो मैंने तो अभी कुछ खाना पीना है नहीं, क्योंकि अभी नाश्ता करके निकले। बेसिकली लोगों को टॉयलेट जाना था, टॉयलेट इनके अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं। फ्लोरेंस के पास हैं, तो फ्लोरेंस क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम मिलान क्रॉस करेंगे, और उसके बाद फिर हम स्विट्ज़रलैंड की तरफ हो जाएंगे, जो माउंटेन्स आते हैं एल्प्स। दोस्तों हमारा ये सेकंड स्टॉप हो गया है, अब हम करीब 350 किलोमीटर 350-400 किलोमीटर आ गए, और प्रोग्रेस थोड़ा स्लो रहा है, क्योंकि मोस्टली हमें डबल लेन मिला। तो डबल लेन का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो ट्रक का मूवमेंट काफ़ी है तो ट्रक्स ओवरटेक करते हैं, तो उसमें स्लो डाउन हो जाता। हम 850 किलोमीटर्स कैपेसिटी है गाड़ी की चलने की, तो 900 किलोमीटर अगर चलना है तो हमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो हम लोग ने तो सुबह ही जो बूफे था उसमें से खाना भर लिया प्लास्टिक के डिब्बों में, क्योंकि हमारे इंडियंस की पुरानी आदत है। तो हमने फ्रूट सैंडविचेस अंडे सारे भरे हुए प्लास्टिक के पैकेट में, प्लास्टिक के टिफिन बॉक्सेस में डिस्पोजेबल वाले। ऐसा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। थर्मस में कॉफ़ी भी भर लिया था और बॉटल में जूस भी भरा हुआ है। मेरे ख्याल में हमारे पास इतना खाना है कि अब ये
हमें शाम तक लास्ट करेगा, हो सकता है उससे डिनर भी हो जाए। अभी तो वही खा रहे हैं क्योंकि फिर गर्मी है, नहीं तो वो खाना ख़राब हो जाएगा। तो इससे कोई इसमें एम्बेरस होने की बात नहीं, भाई पैसे दिए बहुत होटल को, और उसमें से अगर हमने खाना अगर भर लिया तो अच्छी बात। होपफुली हमारा ये अब लास्ट स्टॉप होगा। तो ये देखिए सामने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक ओशन का व्यू है जो मैं आप देखिए यहाँ से, ये देखिए सारा ये ओशन का व्यू है, और ये पीछे ये जेनोआ का शहर है। तो वो टनल आता है यहाँ से, अब हम मिलान बाईपास करेंगे और उसके बाद हम वो टनल से क्रॉस करेंगे अक्रॉस द एल्प्स इनटू स्विट्ज़रलैंड। तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स है, तो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स हम लोग अब चल चुके हैं और 300 अब रहता है। देखिए आज यहाँ पर मैं कॉफ़ी पीऊँगा क्योंकि हमारी जो होटल से जो कॉफ़ी थी वो ख़त्म हो गई। तो पहले मैं जा रहा हूँ टॉयलेट। हाँ, आखिरी कॉफ़ी इटली की, ये माकियाटो है। इटली की कॉफ़ी कुछ खास होती है और सस्ती भी होती है। अब ये जो है मुझे मिला। दोस्तों अब मैं हम अपने घर पहुंच गए और अभी करीब आप देखिए 9:15 बजे हैं और हम करीब 8:30 बजे घर के अंदर पहुंच गए। बल्कि